राहुल गांधी ने वापस टिप्पणी की, राहुल गांधी ने वापस टिप्पणी की कि इस बार वापस आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आज भी वापस उन्होंने यही कहा। देखिए राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, उनकी पार्टी सीरियसली लेती है ना देश की जनता सीरियसली लेती है, इसलिए उनके बोलने पर कोई बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने देश के सभी कौमों का विकास किया है, मोदी जी का विकास सब तक पहुंचा है। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज में डर पैदा करके हम ये चुनाव जीत सकते हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। आज आप दिल्ली में, यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का सफा साठ हो जाएगा। देखिए अरविंद जी को 4 तारीख तक ये बोलने का अधिकार जरूर है, 4 तारीख को सबके ध्यान में आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि दिल्ली के जन जन के मन मन में केवल मोदी। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे पहाड़गंज में है, चांदनी चौक इलाके में, बिजनेस इलाका है, पर यहाँ पे भी जय श्री राम की नारे लग रहे हैं। देखिए हमारे जो उम्मीदवार हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, ये यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा प्रिय है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनका एक कनेक्ट है, और केवल दिल्ली नहीं, आप देश में कहीं पर भी चले जाइए, जय श्री राम का नारा आपको सुनने को मिलेगा। देवेंद्र जी, सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि एक नेशनल पिक्चर निकल कर आ रहा है जयराम रमेश, वो कहते हैं कि 5 फेज के बाद जितने ज्यादा एमपी उन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा, कहीं ना कहीं वापस उन लोग राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम वही बनेंगे। देखिए 4 तारीख तक वो किसी को भी प्रत्याशी बना सकते हैं, 4 तारीख के बाद नेता प्रतिपक्ष उनका बनेगा कि नहीं ये उनका नंबर डिसाइड करेगा, और उन्होंने उसका ही विचार करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष तो भी वो बनाने लायक रहेंगे कि नहीं। और वोटर टर्नआउट को लेकर भी वो कहते हैं कि वोटर टर्नआउट से नजर आता है कि एक डिप दिख रहा है, और डिप के कारण लग रहा है कि बीजेपी बीजेपी नर्वस हो। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई अनाड़ी ये बात कह सकता है कि वोटर टर्नआउट कम या ज्यादा होना, इसका मैंने उनके लोग आए और हमारे लोग नहीं आए ऐसा कहना अनाड़ी जैसी बात होगी। लोग मोदी जी को देखकर निकल रहे हैं, जिनको मोदी जी को वोट देना है वो निकल रहे हैं, जिनको ये पता है कि कांग्रेस चुनकर ही नहीं आने वाली, ऐसे जो उनके वोटर हैं घर बैठ। और असाउद्दीन ओवैसी ने भी वापस आज एक टिप्पणी की, असाउद्दीन ओवैसी ये कहते हैं क्योंकि क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, आप पीओके की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है दिखाने के लिए कि आपने डेवलपमेंट में क्या किया, तो आप वापस हिंदू मुसलमान। मैं ओवैसी जी को सवाल पूछना चाहता हूँ, हम पीओके की बात करते तो उनको क्यों दुख होता है? अरे उनको तो खुशी होनी चाहिए, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं ना, तो भारत में पीओके लाने की हम बात करते हैं तो उनको खुशी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पीओके एक बड़ा मुद्दा है और ये पीओके के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए चुनाव हम केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जो मोदी जी ने डेवलपमेंट का मॉडल तैयार किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लोगों की जो मूलगामी व्यवस्थाएं थी जो 60 साल में कांग्रेस ने उनको नहीं देती, वो मोदी जी ने उनको मुहैया कराई है, इसी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कोई सामने से बात करेगा तो जवाब तो आएगा।